नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सविता, स्त्री रोग स्पेशलिस्ट। आज बांझपन इस विषय पे बोलना चाहती हूँ। आजकल बहुत सारे शादीशुदा लोगों में बांझपन की तकलीफ देखा जा रहा है। 10 में 2 से 3 लोगों को ये बांझपन का तकलीफ दिखाई दे रही है। बांझपन क्या है, कब बोलते हैं और इसका बराबर सा ट्रीटमेंट कैसे होना है, इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। शादीशुदा लोगों में लगातार 1.5 साल तक भी कोशिश करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं रुक रहा, उन लोगों को हम बांझपन बोलते हैं। बांझपन बराबर से इसके बारे में समझ लेना चाहिए। आजकल उसके बारे में बहुत सारे गलत फहमियाँ फैल रही है और बहुत सारे लोग गलत गलत ट्रीटमेंट दे के टाइम वेस्ट कर रहे, पैसा वेस्ट कर रहे और पेशेंट को फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए आज मैं ये जिम्मेदारी लेके आपको स्पेशलिस्ट होके, स्त्री रोग स्पेशलिस्ट होके आपको ये समझाने का सोच रही हूँ। यूजुअली 1 रुपये में 98 पैसा, 98 पैसे, कहीं पे तो अड़चन रहता है बच्चा नहीं रुकने की वजह से। 2 पैसे हम डॉक्टर्स को, हमारे आंखों को वो नहीं दिखता, लेकिन 98% कहीं भी तो अड़चन रहता है। उस अड़चन को ढूंढना ही हम स्पेशलिस्ट का काम रहता है। अभी ये अड़चन पुरुष में भी रह सकती है और औरत में भी रह सकता है। दोनों का तपास होना चाहिए, दोनों का इसमें समान सा हिस्सा रहता है। आदमी लोगों का क्यों कराना, सिर्फ औरतों का कराना, ये सब बहुत गलत फहमियाँ हैं। जब भी बांझपन का विषय आता है, जब भी बांझपन के लिए आप ट्रीटमेंट लेने का डिसीजन करते हैं, तो पति पत्नी दोनों का भी तपास होना ज़रूरी रहता है। आजकल बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ दिखा के बांझपन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो बराबर स्पेशलिस्ट के पास नहीं दिखाते। जब तक वो सब जगह घूम फिर के स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, तब टाइम भी ज़्यादा हुआ रहता है, पेशेंट भी टेंशन में बहुत रहते हैं और पैसा भी बहुत वेस्ट होती है। इसलिए आज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बांझपन अगर ये तकलीफ आप में है तो प्लीज़ स्त्री रोग स्पेशलिस्ट को दिखाए, उसका बराबर से आप फॉलो करें और तकलीफ कहाँ है, अड़चन कहाँ है, उसका पता लगाए और इसके हिसाब से बराबर से ट्रीटमेंट लें। अभी आगे के वीडियोज़ में पति का तपास क्या रहता है और पत्नी का तपास क्या रहता है, इनके बारे में भी बोलती हूँ। इसी के हिसाब से आप फॉलो करके आपका बराबर से इलाज कराइए। थैंक यू।